नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों से। हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन का नजारा रविवार को सुबह उल्लास और उमंग से भरा था। अपर बाजार रोनियार वैश्य सभा की ओर से वैवाहिक परिचय सम्मेलन किया गया था। इसमें 110 जोड़ों ने एक दूसरे से परिचय हासिल किया। सम्मेलन में दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के अलावा राज्य के चतरा, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, सिंहभूम, दुमका, गढ़वा और रांची समेत कई जिलों से आए इस कार्यक्रम में विवाह योग्य लड़के लड़कियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। सभा के अध्यक्ष अनूप कुमार लाल ने भाषण में सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विवाह योग्य लड़के और लड़कियों और उनके परिवार का परिचय एक दूसरे से कराना है। अंतिम निर्णय परिवार को ही लेना है। साथ ही सभी लोगों के लिए भोजन और बाहर से आए लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में मंत्री उदयलाल, रांची जिला अध्यक्ष शंभू प्रसाद, जिला मंत्री अशोक कुमार गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, शंकर प्रसाद, मनीष कुमार, सुरेश प्रसाद, प्रदीप कुमार गुप्ता, बद्रीलाल आदि का योगदान रहा। बागपत के जोहड़ी गांव में शूटिंग प्रतियोगिता में एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब डीएलएफ भोपुरा के शूटरों ने 5 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में नयासा राणा, वसीम खान, इशिता मलिक, जुनैद प्रशांत, हर्षित चौधरी, समीर तोहिद, लवकुश ने अलग अलग कैटेगरी में भाग लिया और मेडल जीते। इस अवसर पर सुनील मलिक, इंद्र मावी, क्लब के कोच हसन मलिक मौजूद रहे। बरियरवा गांव में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह और मुंगेर सांसद मीना देवी के बेटे आशुतोष कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सह ज्योतिषाचार्य पंडित रिपु सुदन द्विवेदी के अध्यक्षता में जिला लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान युवा जिला महामंत्री प्रमोद सिंह, जिला संगठन सचिव घुरई कुशवा, रामजी यादव, उमेश माली, रोशन उपाध्याय, प्रमोद वर्मा, रघुवर यादव, हरि माली, अशोक कुमार यादव, अवरुद्ध राव, रुपेश उपाध्याय, राम भुज कुशवा आदि तमाम लोजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अलवर से चित्रा मुद्गल के मुताबिक कल पुलिस थाना भिवाड़ी फेज 3 के थाना अधिकारी के द्वारा अपनी टीम के साथ 5 व्यक्तियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 1 चाकू, मिर्ची पाउडर, चाबी पाना बरामद किया गया। इन पर 399 और 402 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी तादाद में अच्छे चिकित्सकों, अच्छे मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है। चिकित्सक अपने प्रैक्टिस के दौरान विशेष तौर पर गरीबों की सेवा करें। ये एक नेक पेशा है जिससे चिकित्सक एक बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से मशहूर यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर एक कार्टून बनाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कार्टून में मूर्ति पर आए 2290 करोड़ रुपए का खर्च का जिक्र भी किया है कि पटेल की मूर्ति कह रही है कि जितना पैसा इस मूर्ति पर खर्च किया है उतना ही पैसा जरूरतमंदों की जिंदगी सुधारने में लगाते तो अच्छा होता। कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी को नीचा दिखाने की होड़ सी लगी रहती है। इस बार शशि थरूर ने मोदी की तुलना बिच्छू से कर दी है। शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस के एक नेता ने पत्रकार को कहा कि मोदी शिवलिंग पर बैठा बिच्छू है जिसे हाथ से हटा नहीं सकते और चप्पल से मार नहीं सकते क्योंकि शिवलिंग पर बैठा है। आपको बता दें, जब जब मोदी को भला बुरा कहा गया है तब तब बीजेपी को फायदा हुआ है। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इंदौर में रोड शो करने पहुंचे और 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए मतदाताओं से उन्होंने समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, क्या इंदौर के दुकानदारों को गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से फायदा हुआ? इस कर प्रणाली से छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई। हमारी सरकार आएगी और सही जीएसटी पेश करेगी।
आज 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी आई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं, जिसके बाद से पेट्रोल की कीमत 79.55 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल के दामों में भी 7 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद से दिल्ली में डीजल 73.78 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। असम में बंगाली गाना गाने पर बॉलीवुड सिंगर शान के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। गुवाहाटी के सुरुसजाई स्टेडियम में कॉन्सर्ट के दौरान शान पर किसी ने पेपर बॉल फेंकी। इसके बाद सिंगर को कहते सुना गया, उसे स्टेज पर लाओ, तुम जो भी हो कभी किसी आर्टिस्ट पर चीजें मत फेंकना, एक परफॉर्मर की रिस्पेक्ट करना सीखो। शान के इस रिस्पॉन्स के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मैसेज भी लिख रहे हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।